अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आसन के निर्देश से ही सदन चलता है। आप अपने हिसाब से अगर करेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। माननीय सदस्य ऐसा नहीं, आप आसन पर जाए उसके बाद आप विरोध करने का करिए। आसन के बात पर ही सदन चलता है, ये तो आप भी जानते हैं। करिए। झारखंड वीरों की कर्म भूमि रही है। बिरसा मुंडा, जिलांबर पीताम्बर, सीधो कानो। माननीय सदस्य कल से एक बात आप लोगों को हम कर रहे हैं कि आसन की ओर पीट करके बैठना आसन के मर्यादा के खिलाफ होता है। आप आसन की ओर पीट करके ना बैठे, आसन की ओर पीट करके बैठना आसन के मर्यादा के खिलाफ है। और आसन को ही आप पदर नहीं मानते हैं तो ये विरोध प्रदर्शन क्या है आपका? कौन सी का विरोध है जब आसन पर ही विश्वास नहीं आपको? माननीय मंत्री जी पढ़िए। बिरसा मुंडा, जिलांबर पीताम्बर, तेलंगा खाड़िया, छत्रा टाना भगत, ठाकुर विश्वनाथ, तो बैठाइए। नीलकंठ बाबू, माननीय सदस्य नीलकंठ बाबू, बजट पढ़ रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री पढ़ रहे हैं और पैरेलल में पढ़ रहे हैं। ये नया महोदय, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बैठकर सुनने के आप एक काम कीजिए ना, 5 मिनट बैठ जाइए, तो बंद कराइए। ये क्या हो रहा है? बजट सेशन में माननीय मंत्री पढ़ रहे हैं और उसका पैरेलल में ऑपोजिशन पढ़ रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। माननीय मंत्री आप अपना बजट पढ़िए। माननीय मंत्री अपना बजट पढ़िए। आप लोग आसन पर जाइए, छोड़िए ना, आप लोग आसन पर जाइए, उनको पढ़ने दीजिए। आप लोग आसन पर जाइए, पढ़ने दीजिए। माननीय मंत्री जी पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्तीय वर्ष राज्य निर्माण के इतिहास में एक जुझारू प्रसिद्ध हुआ। कोरोना के वैश्विक प्रकोप से देश के साथ साथ झारखंड राज्य भी आहत हुआ है। इसलिए मैं सर्वप्रथम राज्य के अग्रिम पंक्ति में के सभी कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूं। धीरता तथा सेवा की असीम भावना के साथ साथ स्वयं को निछावर करने के जो भाव इनमें देखने को मिले उसे शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। इस विषम परिस्थिति में सरकारी तंत्र के साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों और संगठनों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका भी प्रशंसनीय रही है। पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर तक के सभी जनप्रतिनिधि जो मानवीय संवेदना दिखाई, मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। कोरोना संकट के दौर में राज्य की जनता ने जो भाईचारा दिखाया उनके इस कृत्य के लिए उन सभी को मैं नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि में प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जाने और भोजन की ऐतिहासिक व्यवस्था करने जैसे कार्यों के लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ राज्य की आवाम की भूमिका नमन करने योग्य रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयास से देश के दुर्गम इलाके में फंसे श्रमिक भाइयों और अन्य लोगों को सड़क, रेल मार्ग सहित हवाई सेवा के माध्यम से वापस लाया गया। कोरोना अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, इसमें जो क्षति हुई है उसकी भरपाई होने में कुछ समय लगेगा। सरकार एक लोक प्रयास से
इस क्षति की पूर्ति की जा सकती है। सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए कृत संकल्पित है। माना की डगर कठिन है, पगपग पर बाधाएं हैं, आगे बढ़ने से रोक रही महामारी सरीखी जो लाए हैं, पर रोक न सकेंगे ये कदम, हम उन्नति के अभिलाषी हैं। अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 की महामारी ने हमें अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने एवं ऐसे लोगों को राज्य में जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के निमित्त हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने हेतु योजनाएं ला रही है। रूरल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत भुगते मजदूरी दर में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वृद्धि की है। अब मनरेगा मजदूरों को 194 रुपए के बदले 225 रुपए, मतलब 31 रुपए की वृद्धि मजदूरी मिलेगी। इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर सहित फोटो हो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना को प्रारंभ किया गया है। कोविड-19 के महामारी के दौरान राज्य की जनता विशेषकर प्रवासी मजदूरों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें भोजन एवं अवसान की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण जीवन में समृद्धि एवं कृषकों को आत्मनिर्भरता बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एवं कृषकों की आय बढ़ाने के निमित्त राज्य अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जाएगा। कृषि के विकास के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं का कृषि कार्यों के साथ समेकन किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग यह हेतु समेकित रूप से लगभग 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 से लगभग 11% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सतत एवं समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट लोक केंद्रित और सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम देने वाला है। सभी को भोजन, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता तथा आवास जैसे न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन एवं शहरी सुविधाओं के उन्नयन हेतु इस बजट में प्रभावी कदम प्रस्तावित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के सुदृढ़ीकरण हेतु भी हमारी सरकार प्रयासरत है। स्वयं सहायता समूहों को राशि अनुदान उपलब्ध कराते हुए उनकी उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह की राशि अनुदान उपलब्ध कराते हुए उनकी उद्यमिता में बढ़ोतरी के हेतु इस बजट में कदम उठाए जा रहे हैं। संस्थागत मापदंड स्थापित करते हुए हम कौशल विकास की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। बजट के माध्यम से प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए भी राशि उपबंधित है। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के निमित्त योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा विशेष स्कूलों एवं छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। यद्यपि कोविड-19 जनित परिस्थितियों ने हमारे राजस्व संग्रह को संकुचित किया है, तथापि हमारी सरकार ने सामाजिक प्रक्षेत्र के दायरे को बढ़ाने के साथ साथ पूंजीगत आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु
समुचित प्रयत्न किए हैं। पूंजीगत आधारभूत संरचना में भी सामाजिक अवसंरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोविड हमारी महामारी जनित संकट के मध्य जब राज्य के वो केंद्र से सुनिए भाई जब मध्य में जब राज्य को केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता अपेक्षित थी, ऐसे समय में राज्य को केंद्रीय करों से मिलने वाले हिस्सेदारी में भी कमी देखने को मिली। ये समझ लो। साथ ही इस विषम परिस्थिति में राज्य के समीकृत निधि से डीबीसी के बकाये की सीधे कटौती कर ली गई, जिससे राज्य के वित्तीय भार में वृद्धि हुई। आपको याद होगा एक बार आरबीआई द्वारा 477 करोड़ और दूसरी बार 714 करोड़ सीधे राशि सरकार का काट दिया गया। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच जन कल्याण एवं विकास कार्यों के गति को बनाए रखने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन सरकार हेतु सरकार ने एफआरबीएम एक्ट के दायरे में रहते हुए अपने ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बढ़ी हुई ऋण क्षमता का प्रयोग सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से विकास एवं निर्माण के में किया जाएगा, जैसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पहल का अधिकांश लाभ समाज के अंतिम पायदान एवं हाशिए पर खड़ी जनता को प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि संचित ऋणों का मूलधन एवं ब्याज भुगतान सरकार के व्यय का बड़ा भाग होता है, जो अन्य विकासात्मक प्रक्षेत्रों पर होने वाले व्यय को संकुचित करता है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में हमारे सरकार ने भविष्य में आने वाले ऋण भारों को के मोचन हेतु निक्षेप निधि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड ये नई व्यवस्था वर्तमान सरकार कर रही है, आपको समझना चाहिए। मैं पहली बार 303.87 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसे राज्य की क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी। यदि पूर्व के सरकारों ने पहले इसको भी सुन लीजिए, यदि पूर्व के सरकारों ने पहले से ही इस कोष में निवेश किया होता तो कोविड-19 के कारण राजस्व क्षति को सिंकिंग फंड में निवेशित राशि के से काफी हद तक कम किया जा सकता था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इस कोष में 472 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो ब्याज भुगतान की सत्ता एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन में एक कड़ी है। इससे आने वाली पीढ़ी पर इन ऋणों का कम से कम भार पड़ेगा। राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत सभी चुनौतियों के बावजूद ब्याज राजस्व प्राप्ति अनुपात हमने 8.06% पर बनाए रखा है। अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से राज्य को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहली बार परिणाम बजट आउटकम बजट अब इसको हमें समझना होगा। आउटकम बजट क्या है? कौन हुसर बजाया? देखिए तो योजना है, उनको निकालिए। कौन हुसर बजाया? उनको निकालिए। हुसर का आवाज किसने किया? उनको निकालिए, निकालिए उनको। हुसर कौन बजाया? उनको निकालिए। पढ़िए पढ़िए मंत्री जी, पढ़िए। हमारी सरकार की इस अभिनव सोच ने हमें आगामी वित्तीय वर्ष हेतु हुसर बजा को निकालिए। कौन हुसर बजा रहा है? परिणाम बजट तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। परिणाम बजट एक ऐसा व्यय के पूर्व का अनुमान है, जिससे व्यय के पश्चात लक्षित परिणाम को लोक दृष्टि में लाया जाएगा एवं वित्तीय संव्यवहार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय होगी। हम इन तत्वों का भी आकलन कर सकेंगे कि बजट के में किए गए प्रावधान का लाभ किस तरह से जनता तक पहुंच रही है। संप्रति 11 विभागों में 21 मांगों के लिए आउटकम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में अन्य विभागों को भी काफी आउटकम बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय सरकार का लक्ष्य समाज नहीं, हुइसल बजाने वाला बर्दाश्त नहीं, हुइसल बजाने वाला बर्दाश्त नहीं। आप जो कर रहे हैं उतना तो ठीक है, अब इससे भी ऊपर करिएगा तो आसन को इतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में व्यय करने का अवसर नित्य निर्मित हो, आज के कार्रवाई तक के लिए उनको निष्कासित कर दीजिए। हमारे बजटीय प्रावधान सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी प्रभावित है, जिसके तहत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट